जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ मलाई कीमा कोफ्ता। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 kg कीमा लिया है। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा मिर्च। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच। मसाला में डालेंगे मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 2 चम्मच। अब इसमें डालेंगे हम जीरा पाउडर 2 छोटी चम्मच। गरम मसाला पाउडर 2 छोटी चम्मच। अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। अब इसमें हम डालेंगे तेल। इसमें हम सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं, इससे टेस्टी बनता है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम बारीक कटा हुआ धनिया भी डालेंगे। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसके ऊपर हम हल्का सा सरसों का तेल डालकर करीब 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे प्याज मसाले सब अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए। 5-10 मिनट हो चुका है। अब इसे थोड़ा मिला लेंगे अच्छे से। अब एक साइड से हम कीमा लेकर गोल गोल अच्छे से दबाकर हम इसे बना लेंगे कोफ्ता। इस तरह से दबा के बनाएंगे हम, देखिए इस तरह से। अब एक कढ़ाई में हम डालेंगे सरसों तेल। सरसों के तेल में बनाने से अच्छा बनता है। अब इसमें हम डालेंगे कोफ्ते। सभी कोफ्ते को हम डाल लेंगे इसमें। इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। फ्राई हो चुका है, आप देख रहे हैं कि इसमें तेल छूट गया है, तेल दिख रहा है। अब इसे हम अच्छे से पलट लेंगे। इसे गल चुका है सब, तो अब इसे हम गैस कम करके इसमें से हम सभी कोफ्ते को निकाल लेंगे। अच्छे से इसे कोफ्ते टूटे नहीं, अच्छे से छान लेंगे हम तेल को। अब इसमें हम डाल लेंगे दूसरे बोल में। अब बचे इसी तेल में हम और तेल डालेंगे, सरसों तेल ही डालेंगे। गैस तेज करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे सूखी लाल मिर्च। इसे हम तोड़ कर डालेंगे, 3 से 4 डालेंगे सूखी लाल मिर्च। आप चाहे तो इसमें जीरा भी ऐड कर सकते हैं। अब डालेंगे तेजपत्ता। अब इसमें हम बाकी बचा हुआ था प्याज डालेंगे बारीक कटा हुआ। अब इसे हम भून लेंगे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक। हल्का भून चुका है प्याज। अब इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे हम भूनेंगे हल्का
एक मिनट के लिए, जिससे कच्चापन निकल जाए। अब इसमें हम डालेंगे मसाले में हल्दी पाउडर 2 छोटी चम्मच, मिर्ची पाउडर 1 चम्मच 2 चम्मच। अब इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 2 चम्मच। अब इसमें हम डालेंगे नमक, अपने हिसाब से डालेंगे। अब इसे हम भून लेंगे। सूखा हुआ है मसाला तो इसमें हल्का सा हम इसमें पानी डालेंगे, पानी डालकर भून लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर प्यूरी, हमने 3 से 4 टमाटर को मिक्सी में पीस लिया है। अब इसे हम भून लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे दही, यहाँ पे मैं 1 कटोरी दही डाल रही हूँ। अब इसे मिला लेंगे अच्छे से। हमने इसे ढक दिया था, अब ये भून चुका है। अब इसे हम डालेंगे सूखी कश्मीरी लाल मिर्च। अब इसे मिला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे काजू पेस्ट, अब इसे मिला लेंगे अच्छे से। अब सभी मसाले अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम डालेंगे पानी, पानी करीब हम 3 से 4 कप डालेंगे। अच्छे से मिला लेंगे हम। अब इसमें हम सभी कोफ्ते को डाल लेंगे। अब इसे हम ढककर करीब 10 मिनट के लिए पकाएंगे। करीब 10 मिनट हो चुका है, ग्रेवी भी गाढ़ी हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर 2 चम्मच, इसे हम मिला लेंगे अच्छे से। मिलाकर एक उबाल आने तक 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे गैस पे। अब हो चुका है, उबाल आ चुका है इसमें। अब गैस बंद कर देंगे, गैस बंद हो चुका है। अब इसमें हम इसको हम निकालेंगे एक बोल में। तैयार है फ्रेंड्स। अब इसमें हम डालेंगे मलाई, धनिया पत्ती से गार्निश करेंगे। अब मलाई चाहे तो बाकी के कोफ्ते में भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।